हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। तो हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क का ऑलमोस्ट सारा टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो क्लास होगा वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी सारे टाइप हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन, आपको टाइप भी बताएंगे कि कौन सा वो टाइप है और आपके दिमाग में वो ग्राफ आना चाहिए। क्लियर है ना? एक बार हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइप कौन सा? तो एलसीएम वाला। हम जरा बात करें, रिवाइंड कर दें आपको, इधर हमारे पास स्पेस है। तो हम लोग टाइप फर्स्ट की बात करें तो वो कौन सा वाला? एलसीएम निकालते थे। क्लियर? अगर हम लोग बात करें टाइप टू की, तो टाइप टू के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो टाइप टू में हम पढ़े थे ये वाला, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, ए बी सी काम कर रहा है और सी छोड़ के चला गया, तो ये हमारा टाइप टू था। अगर हम बात करें टाइप थ्री की, थोड़ा रिवाइंड करना जरूरी है आपको। ठीक है, टाइप थ्री की, तो ये देखिए हम लोग ये पढ़े थे, ये क्या है? तो ए बी और सी एक एक दिन के लिए, कहने का मतलब बारी बारी से रिलेटेड टाइप हम लोग पढ़े, है ना। अगर हम बात करें टाइप फोर की, तो टाइप फोर में हम लोगों ने पढ़ा क्या? तो एम डी एच। क्लियर? एम डी एच वाला टाइप हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, अगर हम बात करें टाइप फाइव की, तो इस टाइप फाइव में फर्स्ट टाइप और फोर्थ टाइप दोनों मिला के हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि फर्स्ट टाइप मतलब एलसीएम वाला और फोर्थ टाइप मतलब एम डी एच वाला। अभी बताओ एमडीएच और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा वो किसमें? तो पुरुष, महिला और बच्चों के फॉर्मेट में। इस पे और प्रैक्टिस करना जरूरी है अभी। ठीक है, तो चलो देखो जरा ये कौन सा टाइप आ गया जी। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रम से इतने और इतने दिनों में करता है और यह बारी बारी से करता है। जल्दी से बता दीजिए बारी बारी से कौन टाइप? तो थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या करेंगे? एलसीएम तक तो निकालना ही निकालना है, एलसीएम के बाद हम लोगों को आपको जोड़ा लगाना है। क्लियर? चलो बड़े आराम से देखते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। आज बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ये देखो क्वेश्चन कहता है हमारा कि ए किसी काम को कितने में? तो 9 में, और बी उसी काम को 12 दिनों में। यहां तक कंप्लीट? अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने का दो तीन तरीका बताया है। पहला तो आप इन दोनों के अनुपात को उलट के यहां रख दो, आमने सामने गुना कर दो। एक और तरीका, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 12 12 है। अच्छा, 12 दोनों से कटेगा क्या? नहीं, तो दुगना करो 24, फिर भी नहीं कटा, तो 12 3 36, और जैसे ही आप इसको बढ़ाते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। अब बताओ 9 से कटेगा कितने बार में? 4, और 12 से कटेगा तो 3। ये क्या आ गया? आदमी, आदमी का समय, समय के साथ उसका काम, टोटल काम, और इसका आ गया एक यूनिट का काम। कह सकते हैं कि ए करता है 4 और बी करता है 3। ये सारा चीज पढ़ रखे हम लोग। आगे बात करें तो कहता है कि वह बारी बारी से शुरू करता है। देखो वह बारी बारी से शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ लगेगा। पहले कौन आया? तो पहले ए आया, फिर कौन? फिर बी, फिर कौन? फिर ए, फिर कौन? फिर बी। इस तरीके से ए बी ए बी ए बी ए बी कंटिन्यू रहेगा, तो जोड़ा किसका लगेगा? तो ए और बी का। क्लियर है यहां तक? ए और बी का जोड़ा लगा। अच्छा बताओ, ए अगर आया एक दिन, बी आया एक दिन, तो कितने दिन का काम? 2 दिन का काम। ए अगर एक दिन आया तो कितना काम करेगा? ए का काम देखो है 4, बी का है 3, और इस हिसाब से हो जाएगा 7 काम। आपको जोड़ा लगाना है, और जोड़ा लगाने के बाद वो चीज क्लियर हो जाएगा। अब आप लिखेंगे 36 बटा 7। क्लियर? जैसे आप वहां पे भी बनाते थे 36 बटा 7, 5 होता तो 36 बटा 5, 6 होता तो 36 बटा 6। अगर कट भी रहा हो तो इसको डायरेक्ट काटना नहीं है, आप यहां से जोड़ा लगाइए। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा काम और होते चला जाएगा। अब बताओ 7 से कितना जोड़ा? तो 5 जोड़ा, 7 5 35। अच्छा ये 5 जोड़ा, एक जोड़ा में 2 दिन लगा, तो 5 जोड़ा में 10 दिन लग जाएगा।
अब ये 10 दिन आंसर तब होगा जब कंप्लीट हो चुका है आपका कार्य, लेकिन जरा बताओ कि काम खत्म हुआ है क्या? नहीं ना, 7 बजे 35 काम हो गया और अभी भी एक काम बचा है। इस एक काम को करने ए बी के बाद फिर से ए, फिर से बी, फिर से ए, तो जो काम खत्म किया, अभी देखो जोड़े में काम कौन खत्म किया? बी। उसके बाद कौन आएगा? जो शुरू किया होगा ए, तो इसको ए करने आएगा। और अगर ए का काम इसमें से घटे तो घटा देंगे, और ना घटे, चार तो नहीं घटने वाला, और ना घटे तो इसको बटा कर देंगे। बस यही आपको यहां ऐड कर देना है, 1/4। और जरा बताओ कि प्लस को पूर्णांक भी लिख सकते हैं, तो आंसर होगा 10 पूर्णांक 1/4। दे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए या आप वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना, ठीक है, क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। अब ये बताओ कौन सा टाइप? कहीं ना कहीं एमडीएच का टाइप, जिसमें हम बताए थे 4 लाइन 3 लाइन 2 लाइन और 1 लाइन में भी बना सकते हो, तो वो वाला टाइप आ चुका है। लिखते हैं कुछ व्यक्ति मिलकर, मतलब एम आदमी मिलकर किसी काम को 60 दिनों में, और कहता है कि 8 व्यक्ति और होते, इमेजिन कर रहा है कि 8 व्यक्ति और होते या उनको शामिल कर लिया जाए, तो बताओ जरा कि 8 आदमी और होते तो 8 जोड़ना पड़ता, एम के साथ 8 जोड़ दिए। अब उसी काम को देखो, दोनों तरफ काम क्या है? सेम है। जब काम सेम हो तो क्या इसको लिखने का जरूरत है? एमडीएच में आपको बताया है ना कि काम अगर इक्वल है दोनों तरफ तो दोनों अपने आप में कट जाएगा। अब बताओ एम आदमी किसी काम को 60 दिन में, एम आदमी में 8 आदमी जोड़ दिया गया और 10 दिन कम लगा, तो 10 दिन कम लगा मतलब 60 दिन जो लग रहा था वो 10 दिन कम लगा, तो लगा कितना दिन? 50 दिन। देखो यहां लग रहा था 60 दिन और यहां लग गया 10 दिन कम 50 दिन। क्लियर? ये क्वेश्चन का लाइन लिख दिए। एक लाइन में बनाना है तो बस एक लाइन में भी बना देते हैं। आपको पहले बोलो 4 लाइन में बनाए या 1 लाइन में? 1 लाइन में, तो लो यहां पे लिख देते हैं एम बराबर हो जाएगा जी 8 × 5 = 40 हो गया जी फिनिश। आपके आदमी कितने थे? तो 40 आदमी थे। यही तो पूछा है कि कार्य शुरू करने के लिए कितने आदमी थे, तो 40 आदमी थे। अब ये देखो डायरेक्ट 40 कैसे आ गया? आ गया, अभी भी आपको बताते हैं, पहले लंबे से चलते हैं। आप इसको लिखोगे 60 m, इसको लिखोगे 50 m और इसको लिखोगे 8 × 5 = 40, ठीक है? अब ये 50 m इधर आएगा तो 60 m - 50 m बराबर हो जाएगा जी 40। यहां से आप घटाओगे, एक मिनट, ये 400, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 400। यहां से आ जाएगा 10 m का वैल्यू 400 और m का वैल्यू यहां से आ जाएगा कितना? तो m बराबर 40। देखो यहां से भी आ गया। अब अगर चाहते हो कि डायरेक्ट कैसे बना है तो ये देखो ये फॉर्मेट है ना। करना क्या आपको कि ये ऊपर से ऊपर खत्म। अब बताओ 6m, यहां देखो कितना आ रहा है 6m और यहां आ रहा है 5m। अच्छा ये 6m और 5m का डिफरेंस कितना है? तो अंतर है जी m, 6m में से 5m घटाओगे तो m बचेगा। अब बताओ इसका गुना इसके साथ तो हो गया, इसका गुना इसके साथ भी कर लो, 8 × 5 = 40, क्योंकि 0 तो खत्म हो चुका है और डायरेक्ट m का वैल्यू आ गया 40। अगर वो पूछता क्वेश्चन कि बताइए जी कि काम पर कितने आदमी शामिल हो पाए, तो काम पर कितने आदमी थे तो m का वैल्यू, काम पर कितने आदमी शामिल हो पाए तो 8 आदमी ज्यादा 48 आदमी लिख सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो गया? 40 आदमी। क्लियर? वीडियो पॉज कीजिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन आया है, हाँ जी ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट टाइप में ही हम आपको पढ़ाए थे, ए प्लस बी, बी प्लस ए, सी प्लस ए, ऐसा करके, ठीक है? चलो बनाते हैं।
आई होप आपको टाइम एंड वर्क पढ़ने में मजा आया हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि थोड़ा अच्छा हो जाए टाइम एंड वर्क। देखो आप 3-4 क्लास में तो एक्सपर्ट नहीं बन सकते, टाइप आप पढ़े अभी अभी, आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप जो भी बुक आपके पास है, कोई भी किताब उठा लो, बड़ा से बड़ा बुक उठा लो, छोटा से छोटा बुक उठा लो, लेकिन आपसे एवरेज क्वेश्चन जो है, मतलब अगर 100 क्वेश्चन है तो 70-80 के आसपास अभी बनना चाहिए। 10-20 क्वेश्चन फंसेगा, लैंग्वेज में फंसेगा, तो आप मेरे को भेजो, हम भी उस पे काम करेंगे, आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। वैसे अभी 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे टाइम एंड वर्क का, कल हो सकता है कि हम एक नया चैप्टर आपको पढ़ाएं, ठीक है, मे बी, लेकिन अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो टाइम एंड वर्क से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए मेरे को कि कल मेरे को नया चैप्टर शुरू करना है या फिर हम इसी पे अभी क्वेश्चन चले, ठीक है। आज भी आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। देखो कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, और कहता है जी कि बी प्लस ए उसी काम को, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में, ओके, तीनों एक साथ मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में, और आपसे पूछा है ए प्लस सी का डाटा। देखो आपको ये और ये देता था और ये पूछता था, ऐसा क्वेश्चन पढ़े हम लोग, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट डाटा दे दिया कि ये दे दिया और ये आपसे पूछा है। इस तरह का कुछ भी पूछे आराम से आप लिखो, एलसीएम निकालो, एलसीएम इसका होगा जी 24, 8 से कितना 3, 12 से कितना 2 और 6 से कितना 4, और यहां का डाटा पता चल जाए तो बस यहां का डाटा यहां पे ऐड कर देंगे। अब जरा बताओ कि ए बी सी का वैल्यू कितना है। अच्छा, ए गया, बी गया, सी गया, तो 4 काम किया। यहां से देखना ध्यान से, अगर हम इसको 2 से गुना कर दे, हमने इसको क्या कर दिया 2 से गुना, तो बताओ 2A, 2B और 2C हो गया, 2A, 2B और 2C। अब जरा बताओ, दुगना आदमी है तो दुगना काम भी होगा, और काम कितना हो गया, 8 हो गया, जो सॉरी हाँ 4 काम था, 4 × 8 हो गया। अब ये जरा बताओ ये किसका है, तो कहीं ना कहीं इसका, इसका और इसका, इन तीनों का, इसको छोड़ के इन तीनों का डाटा, मतलब ये और ये मिलाकर 8 होना चाहिए, क्लियर है, ये और ये तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो 8 आया है, 2a 2b 2c बराबर। अब बताओ 8 में हमारे पास 3 और 2 5 तो पहले से है, तो इसके पास 3 होना चाहिए, और 3 होगा तो वो 8 हो जाएगा। देखो सारा का सारा डाटा आपके सामने है। अब उसका टाइम भी आप बता सकते हो कि अगर ये 3 है तो 24/3 आंसर हो जाएगा 8 दिन, हो गया जी फिनिश। देखो वो 8 नहीं आंसर है, वहां से 3 आया इसलिए ये 8 आंसर है, यहाँ 2 आता, यहाँ 2 आता तो फिर हम यहाँ पे लिखते 24/2, यहाँ 1 आता तो 24/1, इसके हिसाब से ये आंसर 8 बना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 बच्चे, हाँ जी, ये देखो आपका आ गया जी, आपका पुरुष महिला और बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है, चलो अच्छे से देखते हैं क्या पूछता है इसके अंदर। मिटा देना आप देखो बार बार हम उस चीज को नहीं बोलेंगे, ठीक है, जब आपको लिखना हो वीडियो आप पॉज कर लीजिए, आराम से उसको लिख लीजिए, फिर प्ले कर लीजिए, ठीक है, चलो, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्लास के लास्ट में आपके लिए 2 लाइन भी लिखेंगे, ठीक है, हाँ हाँ आपके लिए कुछ 2 लाइन लिखेंगे भी। फिलहाल क्वेश्चन पे हम समझ रहे हैं क्या वो मर रहा है आपके दिलों में आ जाओ क्वेश्चन अगला है। और कहता है कि 12 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं, और आपसे पूछा है कि 12 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन में है ना। फिलहाल चलो बीच का लाइन भी पढ़ते हैं। कहता है कि प्रत्येक बच्चा पुरुष की तुलना में दुगना समय लेता है। अभी बताओ कि प्रत्येक बच्चा
पुरुष की तुलना में दुगना समय लेता है, तो ये रेशियो, ये जो बना रेशियो, ये किस चीज का रेशियो है? समय का। अच्छा, समय को समय में नहीं, लेकिन कार्य को तो कार्य में रख सकते हैं। अब यहां से समय को कन्वर्ट करेंगे कार्य में, और कार्य का रेशियो आएगा 2:1। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये काम आ गया पुरुष का जी 2 काम और बच्चे का 1 काम। तो बताओ पुरुष और बच्चा मिलाकर, देखो यहां पे पुरुष और बच्चा का उठाया ना डाटा, तो पुरुष और बच्चा को मिलाकर, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पुरुष और बच्चा, अच्छा बताओ हमारे पास 12 पुरुष हैं, तो 12 पुरुष हैं और पुरुष को 2-2 काम अगर करने के लिए दिया जाए, इसको थोड़ा मिटाते हैं यहां से, 12 पुरुष तो 2-2, 1 पुरुष 2 काम, तो 12 पुरुष करेगा कितना, तो 24 काम। क्लियर? एक बच्चा एक काम, तो यहां से 8 बच्चा के लिए कितना काम हो जाएगा, तो 8 बच्चा के लिए काम हो जाएगा जी हमारा 8 काम। अब बताओ इसका 8 काम और इसका 24 काम अगर हम मिला दें, तो इसके काम में हम रख सकते हैं, इसके काम में क्या रख सकते हैं, तो 8 और 24 अगर मिला दिया जाए तो 8 4 12, और यहां से आ जाएगा आपका, देखो कितना, 8 4 12 और 32 32। चलो अब ये बताओ कि अगर ये 32 काम दोनों मिलके किया, तो इसमें से 24 ये करेगा और बाकी का 8 ये करेगा, दोनों मिलके कितना करेगा, तो 32 काम। अब जरा बताइए कि आमने सामने गुना कर दिया जाए तो इसका टोटल भी बनता है ना, आप इसको गुना मत करो, आप सिर्फ ऐसे ही लिखो क्योंकि बाद में भी आपको काटना है। अब जरा बताओ कि 12 पुरुष काम पर जाएगा, तो 12 पुरुष जब काम पर जाएगा तो 12 पुरुष कितना काम करेगा, 24 काम करेगा। तो बस इतना, ये आपका टोटल देखो है ना एलसीएम, आप गुना करोगे तो डाटा होगा, कोई बात नहीं, 9 into 32 और बटा कर दो जी ये 24। आप इसको काटो तो कटेगा 8 3 24, 8 4 32, 3 से कटेगा 3 और 4 3 12। इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 12 दिन। देखिए आपका 12 दिन। देखो इसको एक बार फिर से समझो, ठीक है, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और फिर से समझो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब बच्चे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसमें, मतलब उलझ जाते हैं, उलझने के कारण ये नहीं बनता। आप इसको एक दो बार समझो फिर देखो कितना मजे से आप इसको बना पाओगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, हम चलते हैं एक क्वेश्चन आगे। हाँ जी, फिर से आ गया जी कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन, चलिए तो इसको मिटा दें आपकी अगर इजाजत हो तो। बहुत अच्छा, जिन बच्चों का अर्थमैटिक अच्छा है, वीडियो देख रहे हैं, जिन बच्चों का अर्थमैटिक थोड़ा अच्छा है या आप बना लेते हैं, और एडवांस में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आपको 30 तारीख को इसी फाइन ऐप पे हम 30 तारीख को आ रहे हैं जी हाँ, एडवांस का बैच लेके, और वो बहुत ही मजेदार बैच होगा, जैसे आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं ना एनिमेशन से, वैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी आइएगा फटाफट जल्दी से 30 तारीख। टाइमिंग उसका होगा, इसका टाइमिंग 11 बजे से है ना, उसका टाइमिंग हम 1 घंटा बाद मतलब 12 बजे से रखेंगे, ठीक है। चलो, A की कार्यक्षमता B से 3 गुनी है, A की कार्यक्षमता B से 3 गुनी है। अब बताओ A और B की कार्यक्षमता, तो यहां पे लिखेंगे A की कार्यक्षमता B से 3 गुनी है, साथ में वो मिलकर किसी काम को 15 दिन में, मतलब दोनों अगर मिल जाते हैं तो 15 दिन का समय लगता है। अब ये बताओ कि अगर ए करेगा 3 काम, बी करेगा 1 काम, तो दोनों मिलकर कितना करेगा, 4 काम। आपसे पूछा होगा कि बी इस काम को, जरा बताओ आमने सामने का गुना कर दें तो 15 चौके 60, अगर ए पूछता तो 60/3, बी पूछा तो 60/1, और बी का डाटा आ जाएगा 60 दिन। अगर बी इस काम को करे तो कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में करेगा। क्लियर हो चुका? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हां जी, व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये भी देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
व्यक्तियों का एक दल, कहता है व्यक्तियों का एक दल किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बहुत बढ़िया, मतलब एम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। एक टीम है, एक दल है, एम की संख्या पता नहीं है, तो कुछ लोग मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं, लेकिन इनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं यदि शेष व्यक्ति इस काम को 12 दिन में पूरा कर ले। शेष व्यक्ति, अच्छा बताओ कि एम में से 5 आदमी कहीं भाग गया और इस काम को करने में लगा 12 दिन, तो व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी? आपको ये क्वेश्चन सिंगल लाइन में बताया है, आप इसका रेशियो जरा बताओ। 5:6 होगा, फिर से 5m और ये 6m और यहां से 30, 6m और 5m का अंतर कितना? तो m होगा, और 6×5=30 हो गया जी आंसर। आपके सामने व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी? तो 30 थी। अभी पूछेगा कि नए आदमी कितने काम पे लग पाए, तो 5 आदमी भाग गया, इसके कारण हो जाएगा 25। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितना जल्दी आ गया, आंसर होगा 30। क्लियर? चलो जल्दी से नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हां जी, ये क्वेश्चन कहता है कुछ ऐसा, कोई भवन निर्माण, इसके लिए तो हम बोलेंगे नहीं कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आप खुद देखो यहां पे कैसा क्वेश्चन। बहुत भारी है चलो देखते हैं कितना भारी है। देखो, कोई भवन निर्माता 40 दिन में भवन निर्माण करने का निश्चय करता है, उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया। देखो भारी भारी कुछ नहीं है, आराम से आप बनाइए। किसी भवन निर्माता ने 40 दिन में भवन निर्माण करने का निश्चय किया। एक देखो पुल बना रहे हैं, इस पुल पे कॉन्ट्रैक्ट जो लगा वो टोटल दिन हमारे पास कितना है? 40 दिन। ये तो क्लियर हो गया कि हमको कॉन्ट्रैक्ट में मिला 40 दिन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट 40 दिन का है, तो आपने 40 दिन में निर्माण करने के लिए आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को लगा दिया। ये देखो 100 मैन लग गया जी, 100 आदमी लगा दिया गया, और 35 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? तो 35 दिनों के बाद, इसका मतलब 35 दिन का काम यहां पे हो चुका है, और 35 दिनों के बाद 100 आदमी और बुला लिए गए। ये जरा देखो कि अब 100 आदमी बुला लिया, तो 100 आदमी पहले से और 100 आदमी और हो गया, तो कितना आदमी हो गया? 200 आदमी। अब ये 200 आदमी कहता है कि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नहीं बुलाते, अच्छा वो अगर बुलाया 100 और लोग बुला लिया तो वो टाइम पे कंप्लीट हो गया, इसका मतलब यह काम 5 दिन में हुआ होगा। तभी तो देखो ना, 100 आदमी था, 100 आदमी बुला लिया, तो हो गया कितना आदमी? 200 आदमी। अब ये 200 आदमी कितने दिन में कंप्लीट किया? 5 दिन में। कैसे? क्योंकि 35 दिन हो चुका है और 40 दिन ही मिला था, तो 5 दिन बचाना, उस 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो अब पूछ रहा है कि अगर वो ये नया व्यक्ति को ना बुलाए तो बताइए वह काम कितने दिनों में खत्म होगा। अभी तक हम क्वेश्चन बना नहीं रहे थे, क्वेश्चन समझा रहे थे, अब देखो सिंगल लाइन में ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। कह सकते हैं इसका काम तो यहां पे ठीक है, 200 आदमी अगर इस काम को करता, इस शेष काम को, तो 5 दिन में करता। अगर 200 आदमी नहीं करके 100 आदमी ही करता तो जरा बताओ वो कितने दिन में होता? MDH का ये फॉर्मेट, अब यहां से काटेंगे 0 से 0 और D बराबर आ जाएगा 10 दिन। जरा बताओ कि आदमी आया तो कितना दिन लगा? 5 दिन में फिनिश हुआ। आदमी नहीं आया तो कितना दिन लगा? 10 दिन लगा। आपसे यही पूछा है कि कितने दिन बाद पूरा होता, निर्धारित समय से कितने दिन बाद। ये देखो 5 दिन और 10 दिन, 5 दिन ज्यादा लगता ना, तो निर्धारित समय से कितने दिन ज्यादा लगता? तो 40 से भी 5 दिन ज्यादा लगता। अगर पूछता कि कितने समय में पूरा होता तो आंसर होता 45-45, लेकिन पूछा है कितना दिन ज्यादा लगता, तो बस डिफरेंस निकालना था और आंसर हो जाएगा 5 दिन। आई होप कि क्लियर है, बहुत भारी नहीं था, सिर्फ डराने के लिए दिया गया था क्वेश्चन। चलो मिलते हैं एक और क्वेश्चन से।
इसी तरह का देखो एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अच्छा लेवल किया गया है, ठीक है, चलो उसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, एक नहर बनने वाला है, नहर बनने के लिए कुछ दिन का समय दिया गया और उसके बाद ये देखो, एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर, फिर से हम वही से लिखेंगे कि एक ठेकेदार ने ये टोटल पूरा का पूरा 12 किलोमीटर का ट्रैक बनाना है इसको, और 12 किलोमीटर लगाने के लिए बनाने के लिए 350 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। बहुत बढ़िया, 12 दिन 12 किलोमीटर का लंबा नहर बनाना है जिसको 350 दिन में बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट 350 दिन का है, 45 आदमी को काम पे लगाता है, ये देखो 45 को काम पे लगाता है, और 200 दिनों के बाद वह पता करता है, 45 आदमी 200 दिन काम करते हैं और उसको पता चलता है कि काम का 4.5 किलोमीटर ही अभी बन पाया है। देखो काम टोटल 12 किलोमीटर, जिसमें से 4.5 किलोमीटर हो गया, तो हमारा बचा 7.5 किलोमीटर और रिमेनिंग बनाने के लिए। हमारे पास आदमी पहले से 45 थे, 200 दिनों तक काम हो गया, तो बाकी का हमारे पास बचा कितना, तो कह सकते हैं 150 दिन, क्योंकि 350 दिन है। इससे इसको कंपेयर करके ये आ गया, इससे इसको कंपेयर करके ये आ गया। अब आपसे यहां पे देखो हम लिख रहे हैं M, आपसे पूछा है कि काम समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमी बुलाने होंगे, क्या ये है इस हिसाब से काम, देखो 200 दिन में ही 4.5 हुआ, तो 150 दिन में तो और कम होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमको कुछ और आदमी बुलाना होगा, और कितना और बुलाना होगा वही आपको निकालना है। इससे पहले हम इस ग्राफ को जरा हम ऐसे लिख रहे हैं, बस कुछ नहीं, ऐसे लिख रहे हैं। अब जरा बताओ ये कौन सा टाइप हो गया जी, तो MDH हो गया, MDWH नहीं है, क्या दिक्कत है, MDH का टाइप है, तो इतना आदमी इतने दिन में इतना काम करता है, तो कितना आदमी इतने दिन में इतना काम कर देगा, बस देखो उस पैटर्न पे आ चुका है। एम का पहले वैल्यू निकालो कि आखिर आदमी कितना चाहिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि और कितना चाहिए। चलो निकालते हैं यहां से, पहले तो बताओ पॉइंट से पॉइंट खत्म, क्योंकि बराबर है, नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा, 45 से ये 45 खत्म, 75 से ये दो बार में 150, और 2 से ये कट जाएगा जी 100, एम का वैल्यू आ गया 100। जरा बताओ कि आपके आदमी यहां पे पहले से 45 हैं और कितने चाहिए जिससे कि 100 हो जाए, तो कह सकते हैं कि 45 घटा देंगे और नया आदमी का संख्या पता चल जाएगा कि नया 55 आदमी और चाहिए। हो गया जी फिनिश, यही तो पूछा है कि कितने आदमी और काम पर लगा दिए जाए कि काम समय पे समाप्त हो जाए। देखो जी काम समय पे हो गया समाप्त, इन दोनों को जोड़ के 350, ट्रैक भी हमारा नहर बनाने का जो था वो भी बन चुका है, और आदमी हमारे पास 100 चाहिए, तो 45 तो पहले से था, तो नए कितने और चाहिए, 55 आदमी चाहिए। हो गया फिनिश, ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। तो जितने भी किताब हैं उनके सारे सॉल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं, अभी इस लॉकडाउन में जो है एकदम फ्री हैं, तो हम बहुत अच्छा उस पर काम कर रहे हैं। जितने भी अच्छे किताब हैं उनका हम वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन का हम स्टूडेंट के लिए। चलो तो मिलते हैं एक और अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो ये देखो क्या कहता है, फिर से एक महिला और पुरुष वाला क्वेश्चन आया है। ओके, क्वेश्चन कहता है 10 महिला एक काम को 7 दिन में करती हैं। ओके, 10 बच्चे और 14 दिन में, अच्छा जी 10 बच्चे अगर करने जाते हैं तो उसको लग जाता है 14 डेज। 5 महिला और 10 बच्चे काम को करें, 5 महिला और 10 बच्चे काम को करें तो काम कितने दिनों में होगा, कल ये टाइप आपको पढ़ाया है ना, या काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा, देखो मल्टीपल में है, मल्टीपल में है, तुरंत बनेगा। 7 और 14 का एलसीएम 14, तो 7 से कितना 2 और 14 से कितना 1, बस जी बन गया क्वेश्चन। 10 महिला 2 काम, 10 महिलाएं जाती हैं तो 2 काम, तो बताओ 5 महिला, आधा महिला तो आधा हो जाएगा काम, और यहां से आ जाएगा 1 काम, देखो 5 महिला का काम कितना 1, क्योंकि 10 महिला 2 काम करती हैं।
अब बताओ 10 बच्चे 10 बच्चे एक काम और 10 बच्चों से ही करवाना है एक काम, दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाएगा 2 काम, और 2 काम करते हुए 14 के हिसाब से आंसर आ जाएगा 7 दिन। हो गया जी फिनिश, कुछ भी नहीं था दम क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप बना सकते हो जल्दी जल्दी। तो मिलते हैं एक और क्वेश्चन से। हाँ जी बहुत अच्छा, चलिए आई होप कि टाइम एंड वर्क का ये सब थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कल हम थोड़ा और एडवांस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल भी हम लोग इस पे बात करें, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन जिसको आप एक एक पेज में बनाते हो या फिर प्यार से उसको छोड़ देते हो, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे, कल का भी हमारा क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं आगे। कहता है जी क्वेश्चन में कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी खेत की कटाई क्रमशः 12-15 अपने में करते हैं, ठीक है? ए बी अलग अलग काम करते हुए खेत की कटाई 12 और 15 घंटों में करते हैं। फिर कहता है यदि वे बारी बारी से एक ही घंटे के लिए काम करें और सुबह 5 बजे ए फसल काटना शुरू करें। देखो पहले कौन आया, ए, और वो भी कितने बजे, 5 बजे, इसका भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ए के बाद आएगा बी। अच्छा बारी बारी का मतलब कहीं ना कहीं पहले ए आया तो फिर बी, फिर कौन, ए, फिर कौन, बी, तो इस तरह से जोड़ा कौन लगेगा, ए और बी का। एक एक यहाँ पे यूनिट घंटे में है इसलिए हम लिख सकते हैं 2 घंटे का काम हो चुका। अच्छी बताओ ए आया तो यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 12 25 60, ए आया तो 5 काम और बी आया तो 4 काम, तो इस हिसाब से काम कितना हुआ होगा, 9 काम। क्लियर? इस 9 काम में आप अगर ये उठाओगे तो 60/9 इसको काटना नहीं है, गलती से भी काटना नहीं है। देखो हम बार बार उस चीज को बोलते हैं जो आप गलती कर सकते हो, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, आप इसको मत काटो। 9 से लगाओ ना, 9 6 54 6 जोड़ा 9 6 54 6 जोड़ा, 1 जोड़ा में 2 घंटा तो 6 2 12 घंटा, 12 घंटा आंसर होता कब, जब मेरा काम फिनिश हो चुका होता, लेकिन काम अभी भी बाकी है। दो 9 से करेंगे, 9 6 54 54 काम हो गया, बचा दी हमारा 6 काम। इस 6 काम को करने कौन आएगा, ए, घटे तो घटा दो। जरा बताओ जी 6 में से 5 काम, जरा बताओ खेत में ना 6 बोझा अटिया रखा हुआ है, ए गया 5 बोझा उठा के लेके चला आया, तो अभी भी 1 बोझा बचा ना, अब ए नहीं जाएगा, अब कौन जाएगा, बी, तो उस बचे हुए एक एक अटिया जो है वो एक काम जो है इसको तो ए कर दिया, लेकिन इसको कौन करने आएगा, बी। अब बताओ बी करने आता है 4, क्या 4 घट सकता है, जब ना घटे तो एक ही अटिया ढोना है वहां पे, और वहां पे बी जो है पूरे दिन में 4 अटिया ढो देता है, तो क्या वो दिन भर वहीं बैठा रहेगा, नहीं, एक अटिया ढोने में जितना समय लगेगा उसमें आके वो कवर काम खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही जब घटे तो घटाओ और ना घटे तो बटा, देखो नहीं घटा, तो यहाँ पे इसको करने में लगा होगा 1 घंटा और इसको करने में लग गया जी 1/4। आप इसको आराम से जोड़ोगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 12 1 13 और 13 पूर्णांक 1/4 दिन ये काम जो फिनिश होगा 13 पूर्णांक 1/4। थोड़ा सा और बात करना पड़ेगा, 13 पूर्णांक 1/4 का मतलब 13 घंटा कितना मिनट, 13 घंटा कह सकते हैं 15 मिनट, ठीक है 60 से गुना करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। अब ये बताओ 13 घंटा 15 मिनट आ गया कब से, तो 5 से 5 3 18 15 और 18 15 को हम कह सकते हैं, आई होप आपको दिख नहीं रहा वहां पे, चलो यहां पे बात कर लेते हैं। ये देखो 13 15 आ गया, जिसमें 5 बजे से शुरू हुआ था, तो 18 15 और 18 15 को हम लोग 6 15 कह सकते हैं। क्या हो गया, 5 इतना इतना काटने में, आई होप कि क्लियर है यहां तक, तो ये आपका यहां से आ जाएगा 6 15 6 15, तो 1/2, आई होप कि सारा कुछ सही है, तो आंसर आ जाएगा 6 15। हो सकता है इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो, तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका 6 15। हो गया जी फिनिश, ठीक है? तो आज का क्लास यही रखते हैं, कल और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और एडवांस क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, ठीक है? और फिर देखते हैं टाइम एंड वर्क का कल लास्ट क्लास करते हैं और उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। वैसे आपका 30 तारीख को आपका एडवांस का भी बैच कंटिन्यू आ रहा है,
एडवांस आने पे आपका अर्थमेटिक भी चलता रहेगा और एडवांस भी चलता रहेगा, एक घंटा ये चलेगा एक घंटा वो चलेगा, तो बी कंटिन्यू। आप अगर दोनों पढ़ना चाहते हैं तो बस 11 बजे से बैठ जाइए, कितने बजे तक, तो 1 बजे तक, 2 घंटा क्लास करेंगे तो आपका दोनों कवर हो जाएगा। जो लोग नए हैं आराम से एक एक चीज पढ़ते चलिए, आराम से फिनिश करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।